इसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम में उसमें क्या फर्क देख रहे हैं बताइए। उसका थोड़ा फर्क हुआ है सर। अच्छा, फिर भी कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है? अभी 60%। 60? हाँ जी सर। ठीक, बाकी कोई और प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है? बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है, बस पूरी है सर। सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना, बाकी और कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं है? सिर्फ रेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, लिंग में तनाव की समस्या है, इसमें आपको 60% तक आपको इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है। जी जी। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को पिछले 7 ईयर से रेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और पिछले 7 ईयर से वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे एक ट्रीटमेंट पाने के लिए, एक अच्छा ट्रीटमेंट पाने के लिए। जिसने जो कहा, जहाँ पे इनको जाने के लिए कहा गया, उन्होंने वहीं पे गया, पैसे को बर्बाद किया, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट इनको मिला नहीं है। पिछले 7 ईयर से इन्होंने कम से कम 10-15 डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, 10-15 जगह पे इन्होंने गए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। जिसने जो कहा, जो टेस्ट कहा, वो सब टेस्ट इन्होंने किया है, लेकिन कोई रिजल्ट इनको हाथ नहीं आया है। अब पिछले 2 महीने से इनका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, थॉरली ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। 2 महीने में इनका अंदर 60% तक फर्क आ गया है। पेशेंट का आवाज़ आप लोगों ने सुना, पेशेंट ने खुद कहा कि डॉक्टर साहब 60% तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है रेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में। इनको शारीरिक तौर पर और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ रेक्टाइल डिसफंक्शन की इनको प्रॉब्लम है। और यहाँ इस पेशेंट को मैंने कहा था कि हो सके तो आप मेरा खुद का बनाया हुआ जो टैबलेट है उसके साथ आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट करिएगा, इससे आपका अंदर फास्ट इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। जो हुआ भी, क्योंकि इस पेशेंट का अंदर वीनस लीकेज की समस्या है, वीनोजेनिक रेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होता है, जिसमें फास्ट इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। क्योंकि वीनस लीकेज की समस्या कह लीजिए, आर्टरजेनिक रेक्टाइल डिसफंक्शन कह लीजिए, वीनस लीकेज मतलब वेंस की प्रॉब्लम होती है, आर्टरजेनिक रेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब आर्टरी की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ये थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें फास्ट इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट तो हो जाएगा, आर्टरजेनिक रेक्टाइल डिसफंक्शन हो या वीनोजेनिक रेक्टाइल डिसफंक्शन हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने बहुत पेशेंट को क्योर किया है, बहुत पेशेंट का मेरे पास क्योर का हिस्ट्री पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें समय लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होता है इस केस में। लेकिन इस पेशेंट के पास समय नहीं है, यहाँ फास्ट इम्प्रूवमेंट की दरकार है, तो टैबलेट के साथ ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना सही होता है। तो और पेशेंट ने भी टैबलेट के साथ ही अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया हुआ है। टैबलेट के साथ ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से हुआ यह कि पेशेंट का अंदर इनिशियली तौर पे एक स्टार्टिंग से ही एक अच्छा इम्प्रूवमेंट इनको दिख गया, और जैसे ही एक इनिशियल बूस्ट इनको दिख गया, तो इससे हुआ यह कि इस पेशेंट का मन का अंदर एक पॉजिटिविटी आ गया कि हाँ मैं सही हो रहा हूँ। और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये पॉजिटिविटी है कि मैं सही हो रहा हूँ, इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है, मेंटली बहुत ज़्यादा इसका अंदर अहमियत है। क्योंकि माइंड जब सोचता है कि मैं सही हो रहा हूँ, तो उसका रिफ्लेक्ट पूरी तरह बॉडी में आ जाता है। तो माइंड जो है, वहाँ से अगर पॉजिटिविटी निकलता है, तो वो पॉजिटिविटी पूरी तरह बॉडी में फैल जाता है। तो ये जो सोच है, इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ही इस पेशेंट का अंदर इनिशियल बूस्ट बहुत दरकार है। इनिशियल बूस्ट आ जाएगा तो इस पेशेंट का अंदर साइकोलॉजिकली एक फैक्टर डेवलप हो जाएगा कि हाँ मैं सही हो रहा हूँ, मेरा अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा पेशेंट का अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर हमने जो मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन किया है, वो है स्टेबिसेग्रिया 10 mg का 2 डोज, 50 mg का 2 डोज, फॉलोड बाय पीएलआरएस 0/1, 0/2। स्टेबिसेग्रिया क्यों प्रेस्क्राइब किया, अब इस पे आते हैं। स्टेबिसेग्रिया इसलिए प्रेस्क्राइब किया गया इस पेशेंट को, इस पेशेंट का मन का अंदर एक सोच है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं कुछ और कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। इनके पेरेंट्स भी थोड़ी सी इनको सपोर्ट नहीं किए, इनको लगता है कि इनका जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इनके साथ सपोर्टिव रोल में पेरेंट्स भी नहीं आए। तो इनका मन का अंदर एक मॉडिफिकेशन है, एक रिजर्व डिस्प्लेजर है कि मैं कुछ और हो सकता था लेकिन मैं आज हूँ कुछ और। तो ये जो मन का अंदर सोच है, ये स्टेबिसेग्रिया की ओर इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा ये इनजस्टिस को देख नहीं सकते, या इनजस्टिस इनके साथ होते हुए भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इनजस्टिस जो है, ये स्टेबिसेग्रिया बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये पेशेंट इतने साल बाहर रहे हैं, लेकिन बाहर रहने के बावजूद भी कई गलत जगह पे इन्होंने नहीं गया हुआ है। इनका मन का अंदर सेक्स के प्रति थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सुबह शाम हमेशा सेक्स के प्रति थॉट्स है, लेकिन ये बाहर कहीं भी
प्रोस्टिट्यूट के पास या कहीं बाहर कहीं कोई पेड सेक्स के पास इन्होंने नहीं गए हैं। तो इससे ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो पेशेंट है काफ़ी डिग्निफाइड पेशेंट है। और स्टाविसेग्लिया का जो पेशेंट होता है ये इनका मन का अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मन का बात बाहर किसी को भी खोल कर कुछ नहीं बोलेगा वो, क्योंकि इसके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेस्पेक्ट का। तो रेस्पेक्ट के लिए ये कुछ भी कर सकता है, इसके लिए सम्मान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेशेंट का अंदर हस्तमैथुन करने के बाद पेशाब की नली में जलन होता है, एक दर्द होता है, एक अजीब सा फील होता है। तो हस्तमैथुन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ता है तो इसके लिए हम लोग स्टाविसेग्लिया के बारे में सोचते हैं। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए मैं पेशेंट को स्टाविसेग्लिया प्रिस्क्राइब किया था 10 mg/50 mL फॉलोड बाई PLRS 0/1 0/2। तो इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर 60% तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जिस पेशेंट का अंदर बिल्कुल भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे बिल्कुल जीरो थे, इनको मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने जगहों से इन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है, कहीं भी इनको कुछ भी फ़ायदा नहीं लगा है, तो मेरे पास इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसका क्या गारंटी है भाई। तो फिर भी इन्होंने मेरा केस वीडियो देख के, फीडबैक्स देख के पेशेंट का, इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, बिल्ड करके मेरे पास इन्होंने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया, और उसका नतीजा क्या है ये आप लोगों का सामने है। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कम से कम 7 होम्योपैथ के पास से ऑलरेडी होकर आए हैं, जिसमें से 2 से 3 तो यूट्यूब के सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका व्यूज़ लाखों में आता है, लेकिन इस पेशेंट के लिए आप लोग कर पाए कुछ भी नहीं। कैसे कर पाएंगे? आप पेशेंट को बोलते हो सुबह लो लाइकोपोडियम, दोपहर को लो नुफोलोडिया, शाम को लो अर्जेंटम नाइट्रिकम, रात को लो स्टाविसेग्लिया। इस तरह से अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपका पेशेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगा? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप जिस भी शहर में बैठते हैं, जहाँ भी आपका क्लिनिक है, वहाँ आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आता होगा। इसीलिए आप यूट्यूब पे पड़े हैं ताकि यहीं से जो पेशेंट आपका आना है वो आता है। जो लोग जानते नहीं हैं आपके पास ट्रीटमेंट करा लेते हैं, क्योंकि आपके पास इतना व्यूज़ आता है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, लोग वो तरीका देख के आपका बातों में आ जाते हैं, आपके पास ट्रीटमेंट कराते हैं, इसीलिए आपका छोड़िए। सो माय डियर फ्रेंड, आपने केस को देखा, समझा स्टाविसेग्लिया मैंने क्यों प्रिस्क्राइब किया, पेशेंट का अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। इस बार मैं पेशेंट को स्टाविसेग्लिया CM प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, स्टाविसेग्लिया CM साथ में PLRS 0/3 0/4, इससे पेशेंट का अंदर और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट मेडिसिन जाएगा वो इनका लास्ट मेडिसिन होगा, इसके बाद इनका केस को हम लोग क्लोज कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।